अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर एवरीवन। आज हम देखेंगे सब टोटल फार्मूला किस तरह लगाया जाता है एक्सेल में। एक्सेल की 8वीं वीडियो है, सब टोटल किस तरह लगाया जाता है और सब टोटल होता क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डेटा है जिसमें ये मेडिसिन का जो है ना मेडिसिन के बारे में रिकॉर्ड है और गारमेंट्स के बारे में रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में रिकॉर्ड है। तो ये जो सारा रिकॉर्ड है ये सब जो है ना अब एक साथ है। अब इसको किस तरह अलग किया जाए, या ये तो कुछ डेटा है 14 बंदों का, लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हो तो उसमें आपके पास 500 बंदों का, 600 बंदों का डेटा होता है। तो आप ये जो है ना एरिया के हिसाब से भी लगा सकते हैं। जैसे मुझे लाहौर का सिर्फ चाहिए कि लाहौर में कितनी सेल हुई 2017 में, 2016 में, और टोटल सेल कितनी हुई, तो मैं लाहौर के ऊपर भी लगा सकता हूँ। डिपार्टमेंट में भी लगा सकता हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी हुई, वो सब मुझे अलग अलग करके दे दें। मंथ वाइज भी लगा सकता हूँ। ये मैंने लगाई हुई है, ये फार्मूला लगाया हुआ है मैंने। ये सेलेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का मुझे अलग टोटल मिला हुआ है, सेल 2016 का अलग मिला है, 2017 का अलग मिला है, उसके बाद जो पूरा टोटल है दोनों ईयर को मिला के वो अलग मिला है। गारमेंट्स का मुझे अलग मिला है, उसके बाद मेडिसिन का मुझे अलग टोटल मिल गया यहाँ पे। उसके बाद ये जो ग्रैंड टोटल है ये भी इन्होंने मुझे करके दे दिया इस फार्मूले ने, और मेडिसिन का ये पूरा टोटल यहाँ पर अलग आ गया है। अब सब टोटल किस तरह लगता है वो मैं आपको बताऊँगा करना, किस तरह लगाया जाता है। सबसे पहले तो आप सेलेक्ट कर लें डेटा को अपने, उसके बाद आप जाएंगे डेटा पे, और डेटा पे जाने के बाद आप सॉर्ट पे जाएंगे। सॉर्ट पे जाने के बाद अगर आपको जिस चीज़ का जो है टोटल चाहिए जिस वो आप देख लें। मिसाल के तौर पर आप डिपार्टमेंट वाइज चाहिए तो आप डिपार्टमेंट में सेलेक्ट करें, अगर एरिया वाइज चाहिए तो एरिया पे सेलेक्ट करें, मंथ वाइज चाहिए तो मंथ पे सेलेक्ट करें। जैसे मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज चाहिए टोटल, कि मुझे डिपार्टमेंट्स का टोटल अलग करके दे दें कि किस ईयर में कितना हुआ था और टोटल कितना है उसका। तो मैं डिपार्टमेंट में क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो है मैं जाऊँगा वो ए टू जेड कर लूँगा या जेड टू ए। ए टू जेड, जेड टू ए का मतलब ये है कि वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज हो जाएगा। जैसे जो ए से शुरू, जो अल्फ़ाबेट शुरू में आ रहा होगा वो शुरू में आ जाएगा, जो बाद में आ रहा होगा बाद में आ जाएगा, तरतीब से आ जाएगा। जेड से, जेड टू ए करूँगा तो जो ए बी सी के हिसाब से जो एंड वाले अल्फ़ाबेट होंगे वो एंड में आएंगे, शुरू में आ जाएंगे, और बाकी एंड में आएंगे शुरू वाले। अब मैं यहाँ पर ए टू जेड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये जैसे देख सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक ऊपर ये आ गए गारमेंट्स, इस तरह ये जो है ना अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज हो गया। उसके बाद जो है ना मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं सब टोटल पे जाऊँगा, ये सिलेक्ट ही रहने दूँगा और जाऊँगा मैं सब टोटल पे। सब टोटल पे क्लिक करूँगा, ये देख सकते हैं आप डेटा में जाकर ये आता है सब टोटल, ये रहा फार्मूला। सब टोटल पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे आप ये आपके पास आ रहे होंगे, जिस चीज़ को आपने सॉर्ट किया होगा आप उसी चीज़ को यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैंने डिपार्टमेंट का टोटल देखना चाह रहा हूँ तो मैं डिपार्टमेंट में क्लिक करूँगा। उसके बाद जो ये जो कॉलम में इसमें क्या बोल रहा है, यूज़ फंक्शन, कौन सा फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हैं। एवरेज भी निकाल सकते हैं आप, मैक्सिमम सेल भी निकाल सकते हैं उस ईयर की, कि मैक्सिमम सेल कितनी हुई थी, मिनिमम कितनी हुई थी। तो मैं यहाँ पर क्या देखना चाह रहा हूँ, सिर्फ सम देखना चाह रहा हूँ, तो मैं सम पे क्लिक करूँगा। और उसके बाद ये आपको दिखा रहा है जिस तरह सेल्स किसके ऊपर मैं टोटल निकालूँ, 2016 का भी टोटल निकाल सकता हूँ, 2017 का भी निकाल सकता हूँ, 2018 का और टोटल जो है ना वो भी निकाल सकता हूँ। उसके बाद क्या होगा, मैं सिर्फ ओके करूँगा तो ये फार्मूला लग जाएगा। जैसे देख सकते हैं आप ये फार्मूला लग गया, इलेक्ट्रॉनिक का टोटल आ गया, ये 2016 का आ गया, 2017 का आ गया, और ये टोटल जो है ना दोनों ईयर का टोटल आ गया। तो ये जो है ना सब टोटल का फार्मूला लग गया है। उसके बाद ये भी आप देख सकते हैं कोने में, जैसे कि ये समराइज़ भी कर सकते हैं आप, इसको यहाँ क्लिक करेंगे ये बंद होता जाएगा, ये बंद हो गया, ये पूरी समरी आपके पास आ गई कि इलेक्ट्रॉनिक का टोटल कितना आ रहा है, ये सारा कुछ आपके पास समराइज़ एक फॉर्मेट में, फॉर्म में आ गया। उसके बाद आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, इस तरह ओपन करेंगे आप, ये ओपन होता जाएगा। उसके बाद ये है कि सब टोटल अगर आपको ये हटाना हो तो आप किस तरह हटाएँगे, इसको सेलेक्ट करेंगे आप जिस पर आपने फार्मूला लगाया है, और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे ये रिमूव ऑल, तो ये फार्मूला जो है ना हट जाएगा, सही है। और ये वाला ऑप्शन जो होता है ना, ये किस लिए होता है, ये वाला ऑप्शन इसलिए होता है कि अगर आपने जो है ना रिप्लेस करना है किसी इसी फार्मूले को, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने जो है ना इसको जो है ना काउंट से मैं चाहता हूँ कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे दें, सब नहीं चाह रहा मैं, आप चाह रहा हूँ डिपार्टमेंट का मुझे मैक्सिमम वैल्यू बता दें, और रिप्लेस करंट सब टोटल, मतलब रिप्लेस करंट टोटल सब करंट सब टोटल का मतलब ये है कि जो मैंने अभी फार्मूला लगाया हुआ है उसको रिप्लेस कर दो इस फार्मूले से, मतलब वो वाला जो टोटल जो है ना वो चला जाएगा, मैक्सिमम मुझे शो कर देगा। तो मैंने इस पर टिक किया और मैंने ओके किया, तो ये देखें मुझे इन्होंने क्या दिखा दिया यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक मैक्स, इलेक्ट्रॉनिक में मैक्स सेल कितनी हुई थी और जो मैक्स टोटल कितना आया था इसका, ये जैसे देख सकते हैं आप।
इसमें जैसे देखें ये इलेक्ट्रॉनिक का मैक्स मैक्स सेल कितनी हुई थी, इतनी हुई थी ये ज़ीशान ने की थी, तो आप इस तरह भी ये कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको दोबारा सेलेक्ट कर लें, सब टोटल में जाएं, और मैं अब चाहता हूँ कि मैं एक और जो है ना इसमें फंक्शन यूज़ करूँ और पुराना वाला फंक्शन भी रहे, सम पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे जो है रिप्लेस करंट सब टोटल को टिक को यहाँ से हटा दूँगा और मैं ओके करूँगा, तो अब मेरे पास जो है ना यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉनिक का टोटल भी आ जाएगा दोनों एयर का और एक साथ भी अलग अलग भी, और उसके बाद जो ना मैक्स भी रहेगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हो, आप अपने हिसाब से आप यहाँ पे 3-4 चीज़ें टोटल कर सकते हो, मैक्सिमम भी देख सकते हो, मिनिमम भी देख सकते हो। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स, आप जो है ना पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स के इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप जो है ना हर जो डिपार्टमेंट का जो है ना डेटा उसको अलग अलग पेज पे प्रिंट निकाल सकते हैं। ये तो एक पेज पे आ रहा है ना, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लकीर आ गई, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का अलग डेटा निकलेगा प्रिंट, गारमेंट्स का अलग निकलेगा प्रिंट, और ये जो एंड में सब ये पूरी समरी है वो अलग टोटल निकलेगी प्रिंट। आप देख सकते हैं जैसे कंट्रोल पी दबाओगे ये देखें ये अब आ गए इधर, अब कंट्रोल पी दबाया मैंने तो ये इस तरह अलग हर डिपार्टमेंट का अलग अलग आ रहा है। अब इसमें एक ये मसला है कि अब यहाँ पे तो देखें आप हेडिंगें आ रही हैं, जिस तरह यहाँ हेडिंग आ रही है और बाकी पेजेस पे हेडिंग नहीं आ रही, सेकंड पेज पे देखें आप हेडिंग नहीं आ रही, तो ये हेडिंग किस तरह आएगी, ये हेडिंग इस तरह आएगी, आप दोबारा वापसी जाएँ पीछे और इसमें आप जो है ना यहाँ पे जाएंगे पेज लेआउट में जाएंगे, आप पेज लेआउट में जाने के बाद आप क्या करेंगे प्रिंट टाइटल्स, प्रिंट टाइटल्स पे जाएंगे, इसको यहाँ पे बताएंगे कि रो टू रिपीट एट टॉप, जो भी टॉप पे हेडिंग है उसको रिपीट कर दो सारे पेजेस पे, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने इसको बताना है कि ये वाली जो है ना ये वाली रो को हर पेज पर रिपीट कर दो, आपने इसको सिलेक्ट किया ओके किया यहाँ पर जाके। अब आप देखेंगे कंट्रोल पी करके चेक कर सकते हैं आप, अभी ये वाली रो जो है ना हर पेज पे आ रही होगी, क्योंकि ये प्रिंट निकालने में मसला होता है फिर, क्योंकि एक पेज पे आ रही हो आपको पता नहीं लग रहा होगा एक नाम लिखा हुआ है या फादर नेम है या किसका नाम है, ये किस चीज़ का टोटल नीचे शो हो रहा है, तो ये आपके हर पेज पर अभी आएगी, ये देखें आप हर पेज पर ये जो है ना ये वाली रो आ रही है ये टाइटल डालने के बाद, या आप बाकी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं एक्सेल के जितने भी आप डॉक्यूमेंट बनाएं। तो ये जो है ना मैंने आज एक्सेल के जो सब टोटल फार्मूला है उसके बारे में मैंने बताया, सब टोटल फार्मूला इस तरह लगता है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डेटा होता है तो ये आपको आसानी हो जाती है सब टोटल लगाने से, सब डेटा को अलग अलग करने से। तो आज तक के लिए इतना ही, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल का नाम है इन्फॉर्मेशन फॉर एवरीवन, अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, अल्लाह हाफिज़।